हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सीटेट मास्टर में। तो वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे जो हमारे पेपर आ रहा है उसमें जीएस आ रही है, जीएस का अच्छा पोर्शन है और उसमें एक टॉपिक है साइंस का। ठीक है, साइंस भी पूछी जाएगी। तो जैसे संदीप सर आप लोगों को पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आशीष सर आपको स्टैटिक पढ़ा रहे हैं, तो वैसे साइंस जो था एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप अभी हम लोग कवर नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि, और स्टूडेंट्स भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे भाई लोग कि सर साइंस भी आएगी हम लोगों में, तो मैंने सोचा कि चलो साइंस भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कराने की कोशिश करता हूँ, जिनसे रेगुलरली इन तरह के टॉपिक्स मैं चुन रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। आप लोगों ने भी एग्जाम दिए होंगे तो विटामिन का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो वैसे तो पढ़ाने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिनसे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखते हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन आप जानते हैं किस लिए होता है। विटामिन एक टाइप का जो हमारा पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पांच न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। तो उसी में एक होता है विटामिन, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। ठीक है, ये देखिए विटामिन कितने होते हैं, ध्यान से देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने विटामिन होते हैं। ठीक है, इसमें से भी एक चीज पूछी जाती है, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे टाइप के होते हैं फैट में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं जल में घुलनशील कौन है, बी और सी, ये कौन से हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन से, समझेंगे इस चीज को, ये किसमें घुलते हैं, बी और सी जल में घुलते हैं। ठीक है, और बाकी के चार फैट में, तो बाकी के जो चार बचे हैं किसमें घुलेंगे, फैट में, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं, विटामिन बी सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील, और जो बाकी के विटामिन होते हैं ए डी ई के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, वसा में घुलनशील। ठीक है, तो आप इसे समझेंगे। और क्या पूछा जाता है, विटामिन के साइंटिफिक वो रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं और उनसे होने वाले रोग पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझेंगे कि किस बीमारी को, सॉरी, किस विटामिन को, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से रोग क्या होते हैं, समझेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। आप लोग अगर आइस पढ़ते होंगे आँख, तो उसमें एक हिस्सा आता होगा रेटिना, कौन सा, रेटिना। तो ध्यान देंगे, जैसे नाम में ही रेटिनॉल है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रेटिना पे, यानी कि हमारी आंख पे, आंख पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी सर आंखों से संबंधित रोग हो सकता है हमारे, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो आंख से संबंधित ही रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, रात में हमें दिखता नहीं है, जिसे हम लोग हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी, विटामिन बी में यहां मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि विटामिन बी अपने आप में एक ग्रुप है, अपने आप कई विटामिन का ग्रुप है, तो उसे मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, या अगले, अभी मैं इसको पढ़ा देता हूं उसके बाद बताऊंगा विटामिन बी के बारे में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, नाम तो याद हो रहा है, जैसे सी आ रहा है तो सी से क्या, सा, सा से स्कर्वी। ठीक है, इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सी से स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी होता है जैसे हमारे जो दांत होते हैं, जैसे मसूड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड आता है कभी कभी, है ना, स्मेल भी आती है, तो इसको बोलते हैं स्कर्वी। दांतों से संबंधित रोग हो सकता है ना, मसूड़ों से संबंधित, उसको बोलते हैं स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, है ना। और विटामिन सी किसमें मिलता है, खट्टे पदार्थों में मिलता है, ये सब आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। फिर आता है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, सॉरी, हाँ, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स, हिंदी में बोलते हैं इसे सूखा रोग। क्या होता है, सूखा रोग, है ना, इसमें मतलब जो स्वास्थ्य होता है बहुत कम हो जाता है ना, पतले हो जाते हैं लोग, उसको बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, सूखा रोग बोल देते हैं। तो विटामिन डी आपका हो चुका है। विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब होता है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, इनफर्टिलिटी है ना, बांझपन भी बोलते हैं हिंदी में, तो विटामिन ई की कमी से होता है, और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से होता है जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो हमारे जब चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो, ब्लड बहने लगता है, तो जब ब्लड बहने लगता है थोड़ी देर उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि थक्का जम जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, तो इससे ये रोग होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जो सारे विटामिन थे आपको मैंने बता दिए हैं, विटामिन बी एक ग्रुप है जो कि मैं अभी बताता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। तो मैंने बताया था कि जो विटामिन बी है वो एक ग्रुप है कई सारे विटामिन का, है ना, और विटामिन बी कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा इसे। तो विटामिन बी जो डिवाइड किया गया उसे मैं कितने भागों में डिवाइड किया गया, 8 भागों में, B1, B2, B3, देखिए B4 नहीं है, ठीक है, B5, B6, B7, फिर B8 नहीं है, फिर B9 और 10, 11 भी मिसिंग, B12, 8 विटामिन हो गए आपके, किसमें, बी में। तो विटामिन बी में, विटामिन बी का जो रासायन, बी वन का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B4 तो है नहीं, तो B5 का क्या है, पेंटाथोनिक एसिड, और B6 का, विटामिन B6 का पायराडॉक्सिन, और विटामिन B7 का बायोटिन, और विटामिन B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामाइन, ठीक है, B12 का साइनोकोबालामाइन, ये इनके रासायनिक नाम है, और ये इंपॉर्टेंट है ना, जब हम लोग विटामिन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें, है ना, तो इनके रासायनिक नाम आप याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी, अगर आप में जो विटामिन B1 या B2 नहीं लिखता है, अगर सिर्फ यही लिख देता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सीधे बेरी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो अब इनको अलग अलग डिवाइड किया गया, लेकिन अगर सिर्फ विटामिन बी लिखता है तो हम लोग बेरी टिक करते हैं। फिर विटामिन B2 की कमी से होता है, सिलोसिस रोग होता है ना, होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि किससे रिलेटेड होता है, तो ये बीमार रोग का नाम है। ठीक है, स्किन ड्राइनेस होता है किसमें, नियासिन की कमी से, है ना, सूखी त्वचा होती है वो, और पेंटाथोनिक एसिड यानी कि B5 की कमी से क्या होता है, पैलाग्रा रोग, इसमें क्या होता है, त्वचा में हमारी जलन होती है। इसके बाद पायराडॉक्सिन कौन सा, B6, इसकी कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। क्या बोलते हैं, रक्ताल्पता, यानी कि खून की कमी। क्या होता है, खून की कमी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, खून की कमी, ठीक है, किसमें, पायराडॉक्सिन यानी कि B6, ठीक है, इसकी कमी से होता है रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी। फिर बायोटिन यानी कि B7, इसमें क्या होता है, पैरालिसिस, है ना, पक्षाघात बोलते हैं हिंदी में, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जैसे हाथ में अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा, यानी कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो इसको बोलते हैं पैरालिसिस, किसमें, बायोटिन यानी कि B7 की कमी से। फिर आता है B9 क्या, फोलिक एसिड, और इसकी कमी से होती है शॉर्ट हाइट, है ना, तो इसमें हाइट वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, किसमें, फोलिक एसिड यानी कि B9 में। इसके बाद जो लास्ट हमारा विटामिन है, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन, इसकी कमी से क्या रोग होता है, नर्वस सिस्टम हमारा इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्र, क्या तंत्र, है ना, जैसे जो हमारा दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क होता है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो ये कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क है ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसे इफेक्ट करता है कौन, B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है इसमें पूछा जाता है कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, क्या पूछा जाता है, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो आप कह देंगे B12, या फिर ये पूछ सकता है कि B12 में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आप कह देंगे कोबाल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको जो विटामिन थे आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना, बहुत छोटी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, क्योंकि समय की कमी है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।